गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इंग्लिश के लेसन 8 द शेफर्ड बॉय पार्ट 2 की ग्रामर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? जो किसी चीज के बारे में और अधिक बताएं, उसकी क्वालिटी बताएं कि वो कैसी है, लंबी है, बड़ी है, छोटी है, सुंदर है, उसका कलर डिस्क्राइब करे, या किसी पर्सन का मूड डिस्क्राइब करे कि वो हैप्पी है, सैड है, एंग्री है। इस टाइप से जो वर्ड होते हैं उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी नंदू वाज बोर्ड। स्टोरी के स्टार्टिंग में नंदू कैसा हो रहा था? बोर्ड फील कर रहा था। मतलब डिस्क्राइब किया है इसमें कि उनसे बोर्ड फील हो रहा था। व्हेन दे सॉ द वोल्फ द शीप वर फ्राइटेड, तो ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। द विलेजर्स वर एंग्री, जो विलेज गांव वाले थे वो क्या हुए? एंग्री हुए, गुस्सा हुए। तो द वर्ड्स बोर्ड फ्राइटेड एंड एंग्री आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो ये वर्ड है वो कैसे हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दे डिस्क्राइब पीपल थिंग्स एंड एनिमल्स, ये क्या कर रहे हैं? पीपल थिंग्स और एनिमल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में हमको डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करना है। फर्स्ट, दे लिव इन ए बिग हाउस। दे लिव इन ए बिग हाउस, तो अब क्या हुआ इसमें? हाउस तो है बट कैसा है? बिग है, तो हाउस को बिग डिस्क्राइब कर रहा है कि बिग हाउस है, इसलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड पर हमने सर्कल कर दिया। नाउ टू, आई हैव अ न्यू बुक। मेरे पास न्यू बुक है। बुक तो है बट कैसी है? न्यू है, इसलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? न्यू। नाउ थ्री, अनिल हैज ब्लू शूज। शूज तो है अनिल के पास बट कौन से कलर के हैं? कलर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? ब्लू। नाउ फोर, माया हैज लॉन्ग हेयर। माया के हेयर कैसे हैं? लॉन्ग है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ? लॉन्ग। और अगर शॉर्ट होते तो यहाँ हेयर तो रहते लेकिन शॉर्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाता? शॉर्ट हो जाता, बट यहाँ लॉन्ग है तो लॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड। फाइव, आई हैव ए रेड बॉल। बॉल तो है बट कौन से कलर की है? रेड कलर की, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? रेड। नाउ सिक्स, वी लाइक कूल वेदर। वेदर पसंद है मौसम, बट कैसा वाला वेदर पसंद है? कूल। वेदर को डिस्क्राइब कौन सा वेदर पसंद है? कूल वाला, तो इस डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? कूल। नाउ सेवन, दिस इज ए हैवी बॉक्स। बॉक्स तो है बट कैसा है? हैवी, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? हैवी। नाउ दे डोंट लाइक कोल्ड टी। उनको कोल्ड टी पसंद नहीं है। टी पसंद है बट कैसी वाली पसंद नहीं है? कोल्ड, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? कोल्ड। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज दिस वर्ड्स। अब हमको इनके अपोजिट लिखने हैं इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के। फास्ट, फास्ट मतलब तेज, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? स्लो। फुल, फुल का अपोजिट, फुल मतलब पूरा भरा हुआ, और फुल का अपोजिट हो गया एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली। थ्री, बिग, बिग मीन्स बड़ा, और इसका अपोजिट है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। फोर, हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट सैड, आप सभी को पता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक। नाउ सिक्स, हॉट, हॉट का अपोजिट क्या हो गया? कोल्ड। सेवन, लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट हो गया शॉर्ट। हैवी, हैवी का अपोजिट लाइट। एंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का अपोजिट इजी। इस टाइप से ये अपोजिट वर्ड्स होंगे। नाउ राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब आपको ये सेंटेंसेस आपके बारे में डिस्क्राइब करते हुए कंप्लीट करना है। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स हेयर। अब आपके हेयर कैसे हैं? लॉन्ग है, शॉर्ट है, कर्ली है, स्ट्रेट है, ये आपको यहाँ लिखने हैं। आई एम गुड बॉय और गर्ल, तो आप अगर बॉय, गुड बॉय है तो गुड बॉय, और बैड है तो बैड बॉय। थ्री, आई लिव इन ए फिल इन द ब्लैंक्स हाउस, तो कैसे हाउस में रहते हैं? बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, आपका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है वो लिख सकते हैं। नाउ फोर, आई लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वेदर, आपको कैसा वेदर पसंद है? हॉट, कूल, रेन, यहाँ लिख सकते हैं। एंड फाइव, आई हैव अ कैसे टॉयज है? ब्लू बॉल, ब्लैक बॉल, येलो बॉल, रेड बॉल, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आप कीजिएगा इसे। नाउ लैंग्वेज स्किल्स, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मीन्स विराम चिन्ह। जब हम हिंदी में सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लास्ट में एक लाइन खींचते, तो मतलब सेंटेंस खत्म हो गया। इसी तरह
इंग्लिश में भी हमारा जब सेंटेंस फिनिश होता है तो हम डॉट लगाते हैं, और जब हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं अब हम, मैच ईच टाइप ऑफ पंक्चुएशन विद द वे वी यूज इट। अब हमको इसको मैच करना है कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? इट शोज द एंड ऑफ सेंटेंस, ये शो कर देता है कि सेंटेंस हमारा फिनिश हो चुका है। और क्वेश्चन मार्क, इट शोज दैट सेंटेंस इज ए क्वेश्चन, ये शो करता है कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मार्क होता है तभी हमको समझ में आता है कि हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ बी, हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम दिस स्टोरी, एट द मिसिंग फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमको यह सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें हमको क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप ऐड करने। अब क्वेश्चन कौन कौन से, कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन है? जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज होता है वो क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, हु, हुम, व्हेन, तो वो क्वेश्चन हुए। उसके अलावा जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इज दिस योर बुक, आर यू फ्री, आर यू हैप्पी। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट, द शीप स्टार्टेड गेटिंग रेस्टलेस, तो शीप जो है वो घबराने लगी, इधर उधर भागने लगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, क्वेश्चन नहीं है। नंदू रैन अप द ट्री, नंदू ट्री पर आ गया, तो यह भी क्वेश्चन नहीं है। नाउ थ्री, व्हाट कुड इट बी, क्या किया उसने, तो इसके लिए ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। नाउ फोर, व्हाई इज नंदू शाउटिंग, नंदू क्यों शाउट कर रहा था, व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड है, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फाइव, द वोल्फ रैन अवे, जो वोल्फ था दूर भाग गया, ये सेंटेंस है तो हमने फुल स्टॉप लगाया। नाउ सिक्स, सदाशिव वेंट ऑन डिगिंग ऑनियंस, सदाशिव जो ऑनियन को खुदाई करने चले गया, फुल स्टॉप। नाउ सेवन, विल नंदू एवर क्राई वोल्फ अगेन, इसमें फर्स्ट में विल आ गया तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए हमने इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस टाइप से ये करना है हमको, आप कीजिएगा। थैंक यू।